दोस्तों एक लड़की रहती है जिसके साथ में पहले तो उसका अपहरण किया जाता है और अपहरण करने के बाद उसके साथ में रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद में उसे अलग अलग जगहों पर ले जाकर के उसके साथ रेप किया जाता है और उसके बाद जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो उसे कभी गाजियाबाद कभी दिल्ली ऐसे अनेक स्थानों पर ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में उसके साथ में रेप किया जाता है और लगातार उसके साथ चार दिन से रेप किया जाता है और उसके बाद में उसे गांव के बाहर फेंक के दिया जाता है जहां उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके बाद में जब पीड़िता पुलिस थाने जाती है तो उसे मामला दबाने के लिए 1 लाख में रेप का समझौता करवाने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर एक दरोगा और एक SHO है वह निलंबन हो जाता है, यानी कि जो पुलिस कर्मी होते हैं एक को लाइन हाजिर कर दिया जाता है जबकि एक का निलंबन कर दिया जाता है SP साहब के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखे कि पूरा मामला क्या था और कैसे उस लड़की के साथ में अपहरण हुआ, उसके बाद में उसके साथ क्या घटना घटी। तो वीडियो को अंत तक ही बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे और मैं आपके सामने ऐसे ही नई नई कहानियां है वह सुनाता रहूं। दरअसल दोस्तों ये कहानी है, यह यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की यह कहानी है जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की होती है और एक दलित परिवार की लड़की रहती है, उसका अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण कर करके उसका रेप कर दिया जाता है और उसी के गांव का एक लड़का रहता है जिसका नाम अंकित वर्मा रहता है, वह उस लड़की के साथ में रेप करता है और रेप करने के बाद उसको जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो उसे कभी कानपुर कभी गाजियाबाद तो कभी किसी अन्य स्थान पर ले जाता है, लेकिन इस दौरान वह लगातार 4 दिन से उसके साथ में रेप करता है और उसके बाद में जब उसकी एकदम से हालत खराब हो जाती है तो वह उसे गांव के बाहर फेंक करके भाग जाता है यानी फरार हो जाता है वहां से। उसके बाद में उसके मामा हैं, वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस वाले हैं पहले तो लड़की की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते हैं यानी FIR दर्ज नहीं करते हैं और उसके बाद में उसकी FIR दर्ज करते हैं तो उसे दबाने की कोशिश करते हैं यानी उसे बदलवाने की कोशिश करते हैं और उसे कैसे भी करके समझौता कराने की कोशिश करते हैं, 1 लाख में समझौता कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मामा है वह इस बात से सहमत नहीं होता है और वह जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो वह मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखता है यानी उसे शिकायत पत्र लिख करके मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी देता है और साथ ही उस SP को भी शिकायत करता है कि इस मामले की जांच करे। इसके बाद में SP साहब है वह इस मामले की जांच करते हैं जहां SP होता है दिनेश कुमार सिंह, वह इस मामले की जानकारी लेता है और जानकारी लेकर के इस मामले की पूरी जांच करता है। उसके बाद में वह जांच पड़ताल करता है तो उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और रिपोर्ट दर्ज कर करके महिला है जो लड़की होती है उसे थाने के अंदर 10 घंटे तक बैठाया जाता है और सुबह 11 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक उसे थाने के अंदर बैठा लिया जाता है और उसके बाद में मामले को दबाने की कोशिश की जाती है यानी कि उसे 1 लाख रुपए में समझौता करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर एक थाना प्रभारी रहता है और एक थाना इंचार्ज रहता है तो दोनों के ऊपर यह लापरवाही बरतने का आरोप लगता है, वह 50,000 रूपये तो ऑनलाइन कर देते हैं और 50,000 रूपये उसे नगद देने की बात कहते हैं, लेकिन इस पर उसका मामा है वह सहमत नहीं होता है और उसका मामा कहते हैं कि मुझे मेरी भांजी के को न्याय चाहिए क्योंकि जो लड़की थी उसके माँ बाप नहीं थे और वह अपने मामा के पास में ही रहती थी, इसलिए उसका मामा है वह SP से शिकायत करता है और SP दिनेश कुमार सिंह इस मामले की पूरी जांच करता है। तो इसके अंदर उसके बाद में जब जांच की जाती है तो मसौली थाना जो इंचार्ज होता है वह इसमें दोषी पाया जाता है और उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है जबकि त्रिलोकपुर जो थाना क्षेत्र है जो थाना जो चौकी का इंचार्ज होता है उसे निलंबन कर दिया जाता है और उसके बाद में मामले की पूरी जांच की जाती है तो उसके अंदर पाया जाता है कि जो थाना प्रभारी है वह और जो चौकी इंचार्ज होता है वह दोनों ही इसमें लापरवाही बरतने हैं और लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों को एक को लाइन हाजिर कर दिया जाता है तो दूसरे को निलंबन कर दिया जाता है। अब SP साहब है इस मामले की पूरी जांच करते हैं
और जांच करके के पूरे मामले की सुनवाई करते हैं, उसके बाद में उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी पूरी जांच शुरू कर दी जाती है। उसके बाद जो लड़की होती है उसका मेडिकल टेस्ट के लिए उसे भेजा जाता है और उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें रेप की घटना है वह सामने आती है कि लड़की के साथ में रेप हुआ है, यानी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। और उसके बाद में लड़के की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है, लड़का है उसे भी बिंदौली नहर के पास से दबोच लिया जाता है, यानी लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिंदौली नहर के किनारे से। और उसके बाद में उसके साथ में जो भी धाराएं होती है यानी आईपीसी की धाराओं के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर करके लड़के को जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद में जो पुलिस वाले थे दोनों उस पर भी आरोप लगते हैं, तो दोनों को हो एक को लाइन हाजिर कर दिया जाता है तो दूसरे को निलंबन कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला था ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का था, क्योंकि यहाँ एक दलित लड़की के साथ में ऐसा हुआ और जब जांच पड़ताल नहीं हुई तो उसके मामा को जब मजबूरन मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र भेजना पड़ा और उसके बाद में एसपी को भी शिकायती पत्र देना पड़ा क्योंकि पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और जब रिपोर्ट दर्ज कर ली तो उसके बाद में उसे न्याय नहीं मिला, उसे उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई, यानी कि जो रेप की जो वारदात थी जो रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे उसे बदलवाने की कोशिश की और 1,00,000 रुपए देकर के जो ये मामला था रेप का उसे समझौता करने की कोशिश करवाई गई और इसके अंदर दरोगा भी शामिल था। इसलिए दोस्तों ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश की थी, और आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।